दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनके सबसे बड़े दुश्मन और दोस्त कौन होते हैं। दोस्तों 12 राशियां होती हैं और इन 12 राशियों में परस्पर संबंध जो हैं वो बड़े अलग तरीके से होते हैं। कुछ राशियों की कंपेटेबिलिटी कुछ राशियों के साथ होती है और कुछ राशियों की कंपेटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है चीज़ें वैसे नहीं चलती जैसे चलने चाहिए। इसलिए जानना ज़रूरी है कि आपकी किससे कंपेटेबिलिटी है और किससे नहीं है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद में समझ जाएंगे कि जो आपके मोस्टली दुश्मन हैं वो आपकी विपरीत राशियों से आते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें समझ जाएँ तो आप दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना समझ जाएंगे, वो भी दोस्ती या दुश्मनी होने से पहले। यानी कि आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आप जिससे जो है बात बढ़ाने वाले हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं या मित्रता करना चाहते हैं, वो मित्र होगा भी कि नहीं होगा। तो वृषभ राशि के लिए हमें इस वीडियो में समझना है। तो उसको आगे समझने से पहले कि कौन दोस्त होगा और कौन दुश्मन, पहले वृषभ राशि के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों वृषभ एक पृथ्वी राशि है और इसे जो है इस राशि चक्र के जो जातक होते हैं वो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और आसान लाइफ के साथ जीते हैं। इस राशि पर शुक्र ग्रह का शासन है और वृषभ राशि के जो जातक हैं वो थोड़े से मतलब लग्जरी लाइफ को जीने वाले होते हैं, दयावान, उदार और सरल स्वभाव के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी लग्जरी पसंद करते हैं और कई बार जो है काफ़ी ज़िद्दी भी हो जाते हैं। आप ज़्यादातर समय संघर्षों से तालमेल बनाने का विकल्प चुनते हैं और आप जब चाहें अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। और ये जो वृषभ राशि के लोग होते हैं ये थोड़े दृढ़ संकल्पी भी होते हैं, अगर कोई संकल्प कर लें तो उसको पूरा करने का दम भी रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि वृषभ राशि के साथ में किन की मित्रता होती है। दोस्तों वृषभ राशि की जो मित्रता बनेगी वो वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन के साथ बनेगी। और क्यों बनेगी वो मैं एक एक लाइन में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो वृषभ राशि के जातक, अगर वृषभ राशि के जातकों के साथ में मित्रता रखेंगे तो ये एक स्वाभाविक मित्रता कहलाती है। वृषभ राशि के जातकों के आपसी जो दोस्ती होती है जातकों के बीच में वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली होती है और वृषभ राशि के साथ कंपनी जो है वो काफ़ी लक्की भी मानी जाती है और एक सॉलिड बॉन्ड जो है इन राशियों के जातक में बनता है, यानी कि वृषभ राशि के जातक में बनता है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क भी एक अनुकूल राशि है वृषभ की और कर्क राशि के जातकों के साथ एक प्रेमपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाली मित्रता बनती है और आप जो है बहुत अच्छी तरीके से आपस में जुड़ पाते हैं। प्लान एग्जीक्यूशन की जो क्षमता है वो कर्क वालों की बहुत अच्छी होती है और उससे आप इम्प्रेस होते हैं और बदले में आपका जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो कर्क वालों को पसंद आता है, इसीलिए जो है आपकी कंपेटेबिलिटी अच्छी होती है। आप दोनों को ही जो है हमेशा परमानेंट जॉब, आरामदायक घर और प्यार करने वाले परिवार जो है आप पसंद करते हैं, तो दोनों की जो है करीब करीब सोच भी मिलती है, इसलिए जो है वृषभ वाले कर्क वालों के साथ में काफ़ी अच्छा पट जाती है, उनकी अच्छी मित्रता हो जाती है। कन्या के साथ भी वृषभ राशि की काफ़ी अच्छी बनती है क्योंकि कन्या और वृष की जो मित्रता है वो काफ़ी मजबूत होती है। आप बुरे समय में एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, आप में से कोई कभी भी शिकायत नहीं करेगा एक दूसरे की, आप दोनों एक दूसरे की समस्या को सुलझाने की क्षमता और समाधान से जो है प्रेरित मानसिकता रखते हैं और उसी तरीके से आप काम करते हैं। आप प्रॉब्लम में अगर पड़ जाएँ तो एक दूसरे के साथ जो है आप एक दूसरे को समझ करके और एक दूसरे को सपोर्ट करके आप उस प्रॉब्लम से बाहर भी हो जाते हैं, लेकिन जो है आपकी एक अच्छी चीज़ यह है कि आप प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और कन्या राशि वाले जो है आपको सपोर्ट करेंगे। तो कन्या राशि के मित्र से जो है आप अगर मित्रता कन्या राशि से करना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि कन्या वाला हमेशा आपको किसी डील में हेल्प करेगा। आई मीन टू से कि आपकी जो डीलिंग है, नेगोशिएशन पावर है, डील करने की जो क्षमता है वो थोड़ी वीक है और कन्या वाले की ये चीज़ मजबूत होती है, तो वहाँ आपको उनसे हेल्प मिलेगी और वो आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छा सिखा सकते हैं क्योंकि कन्या राशि वालों को इन्वेस्टमेंट करना बड़े अच्छे से आता है। वृश्चिक के साथ भी जो है आपकी काफ़ी अच्छी मित्रता हो सकती है, हालाँकि आप राशि अपोजिट हैं लेकिन
आपके अंदर काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अच्छे रिलेशन बनाते हैं। आप अपने की दोस्त अपने दोस्तों को डेडिकेशन से प्यार करते हैं। वृश्चिक वाले जो है हमेशा अपने फ्रेंड्स को बड़े ही मतलब प्यार से ट्रीट करते हैं, और जो है आपका जो फनी नेचर है वृषभ वालों का, उसको वृश्चिक वाले पसंद करते हैं। वृषभ और वृश्चिक दोनों ही फैमिली ओरिएंटेड नेचर के होते हैं, साथ ही वे जीवन के प्रति जो है काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं, जिससे आपकी कंफर्टेबिलिटी और भी अच्छी बन जाती है। जो मकर राशि है, मकर राशि के साथ भी आपकी अच्छी बनेगी, उसके मित्र भी आपके अच्छे हो सकते हैं वृषभ वालों के। मकर राशि के जातकों के साथ जो है बड़ी मीनिंगफुल फ्रेंडशिप बनती है। मीनिंगफुल मतलब कोई अगर आप लाइफ में ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं और आपका जो फ्रेंड मकर राशि से है तो आपको बहुत अच्छे सपोर्ट करेगा। और उसकी वजह भी है, उसकी वजह है कि वृषभ राशि और मकर राशि दोनों ही पृथ्वी राशि हैं, और इसीलिए जो है इन दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। आपकी और आपके मित्र के कई टारगेट और ड्रीम जो है वो काफ़ी समान होने वाले हैं। आप एक दूसरे के पर्सनल टारगेट को अचीव करने में एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी कि मकर वृषभ वाले दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। मीन राशि के साथ अगर देखें कंपैटिबिलिटी, तो पहली नज़र में वृषभ और मीन की मित्रता में कोई इक्वालिटी नहीं होती, दोनों बराबर नहीं दिखते। लेकिन जैसे जैसे आप एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, आपके टारगेट और इंटरेस्ट एक जैसे दिखने लगते हैं। दोनों का अचीवमेंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन टारगेट पाने की जो क्षमता है और जो सोच है वो एक जैसी है, और इंटरेस्ट भी काफ़ी हद तक मिल जाते हैं। आप दोनों को कला और सौंदर्य की जो है समझ है, प्रशंसा आप करते हैं, और एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छा तालमेल आप बना सकते हैं। आपको मीन राशि के लोगों का कूल एटीट्यूड काफ़ी पसंद आएगा, और वो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को काफ़ी पसंद करेंगे और उसकी तारीफ भी करेंगे। आप और आपका मित्र दोनों टॉलरेंट पर्सन हैं, और शायद ही आप कभी जो है आपस में बहस करें, कि दोनों के अंदर जो है एक गंभीरपन है, क्षमता है लोगों को माफ़ करने की भी और बड़े दर्द झेलने की भी। तो इस वजह से जो है इस राशि के साथ मीन राशि के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी बन जाती है। प्राय में फेसी दिखती नहीं है कि कंपैटिबिलिटी होगी। आप कभी मीन राशि के व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपका अच्छा मित्र हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजारेंगे चीज़ें बदलती जाएंगी। अब बात करते हैं आपके दुश्मन राशि की, जो आपकी मित्र राशियां नहीं हैं, जो खराब राशियों की श्रेणी में आती हैं, और वो हैं आपकी कुंभ और सिंह। तो कुंभ और सिंह के साथ में आपकी शायद ही कभी बने। कुंभ राशि के जातक से आपकी मित्रता जो है वो हमेशा चुनौतियों भरी रहेगी। आपका दोस्त आपकी स्वतंत्रता को बहुत इम्पोर्टेंस देगा, लेकिन आपको ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, वो हमेशा आपसे एक छोटी सी दूरी बना करके रखेगा, एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगा कुंभ राशि वाला, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जब आप अपनी प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देंगे तो कुंभ राशि के जातकों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप हमेशा जो है अपने से बिलोंगिंग चीज़ें जो है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो गई, बिलोंगिंग चीज़ों में रिलेशनशिप आती है, इसको आप इम्पोर्टेंस देते हैं, और कुंभ वालों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। वो चीज़ों को उतने लेवल में महत्व नहीं देते हैं जितने लेवल पर आपकी एक्सपेक्टेंसी होती है। इसीलिए जो है आपका उनका जो है हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहना है। सिंह वालों के साथ में ये दोस्ती आपके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड मैच नहीं है। आपका वृषभ और सिंह का मैच आसानी से नहीं होगा। आप जो है जिद्दी नेचर, जो सिंह वाले होते हैं वो जिद्दी नेचर के होते हैं, और वो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही करेंगे। आपको लगेगा कि ये अड़ियल रवैये वाले लोग हैं, आपकी सुनते नहीं हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, और इससे आपके अंदर में जो है थोड़ा सा खीज भी उत्पन्न होगी सिंह राशि के लोगों के प्रति। और जो सिंह राशि के होते हैं उनको लगता है कि मैं ही हमेशा जो है सेंटर में रहूं, लोग मेरी प्रशंसा करें, ऐसी आपको फीलिंग आएगी, और इसी वजह से सिंह राशि के साथ में आपकी बनेगी नहीं, अनबन होती रहेगी। हालांकि सिंह राशि के लोग दिल से बुरे नहीं होते हैं, बट वो थोड़े से लीडरशिप क्वालिटी उनमें ज़्यादा होती है, थोड़े से अहम उनमें होता है, इसकी वजह से आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है और आपकी नहीं बनेगी। तो दोस्तों अंत में जो अगर हम बात करें तो ये सब आप पर आकर के रुकता है कि आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं। ये बात ज्योतिष के हिसाब से थी, बट कर्म ही श्रेष्ठ है तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हालांकि जब भी आप दोस्ती करें तो इन बातों का ध्यान रखें, ये आपको यूजफुल हो सकती है आपके लिए। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जो है नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।